सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान फिलिस्तीन जिंदाबाद की बात कहकर हिंदुस्तान में सियासी पारे को हाई कर दिया। ओवैसी के फिलिस्तीन जिंदाबाद कहने को लेकर विरोधी दल उन्हें जमकर लपेट रहे हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ओवैसी ने संसद में जो बयान दिया है, हम उसकी आलोचना करते हैं। देश के अंदर भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद की बात कहना, ये हमारे देश के अंदर की बात है। लेकिन शपथ ग्रहण के दौरान जो उन्होंने बोला है, वो देश उसे स्वीकार नहीं करेगा। संसद में शपथ ग्रहण लेने का एक तरीका होता है, सभी को इस तरह शपथ लेनी चाहिए। 29 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा में कई दौरे की मीटिंग करेंगे। साथ ही इस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि वो हमारे बड़े नेता हैं और उनका मार्गदर्शन हमारे लिए बेहद जरूरी है। देखिए, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल पूरे देश में कोई व्यक्ति इस बात को पसंद नहीं करता जिस प्रकार का उन्होंने व्यवहार किया। भारत माता की जय बोलना, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना, वो कुछ भी करता जो देश के लिए करता है, पर दूसरे देश के लिए इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं। देखिए, वैसे तो मैं एक बात मानता हूँ कि शपथ ग्रहण समारोह में नारे लगाने का कोई औचित्य नहीं है, किसी का भी कोई नारे लगाने का औचित्य नहीं। वहाँ एक तरीका है शपथ लेने का, वही तरीका वही सबको अपनाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री जी हमारे नेता भी हैं और पार्टी के तौर पे हमेशा से उन्हें हमारा मार्गदर्शन किया, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और उनके नेतृत्व में बहुत अच्छे परिणाम आए। तो निश्चित तौर से हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए और हमारे को गाइडलाइन देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में पधार रहे, हमारे लिए बेहद खुशी की बात है, सब में उत्साह इसके लिए।